नमस्कार, मैं मयंक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं स्वर ज्ञान गंगा चैनल पे। मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस देखते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बना के लाता रहूं। पिछले वीडियो में आपने जाना भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के चिन्ह कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उनका मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे थाट के बारे में। थाट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मयंक शुक्ला और आप देख रहे हैं स्वर ज्ञान गंगा। स्वर ज्ञान गंगा। स्वरों को फ्रेम करना, स्वरों का एक निश्चित फ्रेम थाट कहलाता है। हर थाट के स्वर अलग होते हैं और उन स्वरों पे बना हुआ राग उसी थाट से संबंधित माना जाता है। कोई भी राग हो वो किसी ना किसी थाट से निकला होता है। थाट गाए बजाए नहीं जाते हैं, बल्कि थाट से उत्पन्न राग गाए बजाए जाते हैं। थाट सिर्फ उनके जनक हैं। थाट 10 होते हैं। हर थाट पे स्वर अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला थाट यह है थाट बिलावल। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं। जिस राग में सभी स्वर शुद्ध होंगे और चलन थाट बिलावल की तरह होगा, वह राग थाट बिलावल से निकला माना जाएगा। दूसरा थाट कल्याण। इस थाट का नाम कल्याण है। इस थाट की पहचान है तीव्र म, बाकी सारे स्वर शुद्ध। तीव्र स्वर, कोमल स्वर क्या होते हैं, ये आप अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो देखने के लिए लिंक आपको ऊपर कोने पे मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको तीव्र, शुद्ध और कोमल स्वरों की पहचान हो जाएगी। जिस राग में म तीव्र होगा, बाकी स्वर शुद्ध होंगे, वह राग थाट कल्याण से निकला माना जाएगा। अगला थाट है खमाज। खमाज थाट में नी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। ऐसे राग जिनमें नी कोमल प्रयुक्त होता है, वह सभी राग थाट खमाज से निकले माने जाएंगे। अगला थाट है थाट भैरव। जैसा आप देख सकते हैं, रे ध कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। तो ऐसे राग जिनमें रे और ध कोमल होगा, बाकी स्वर शुद्ध होंगे, वह राग थाट भैरव से निकला माना जाएगा। अगला थाट है थाट भैरवी। थाट भैरवी के स्वर हैं रे ग धानी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध। जिस राग में रे ग धानी कोमल हो, बाकी स्वर शुद्ध हो, वह राग भैरवी थाट से निकला माना जाएगा। अगला थाट है काफी। काफी थाट के स्वर हैं ग नी कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध। जिस राग में ग नी कोमल हो, बाकी स्वर शुद्ध हो, वह राग काफी थाट से निकला माना जाएगा। अगला थाट है आसावरी थाट। आसावरी थाट के स्वर हैं ग ध नी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध। जिस राग में ग ध नी कोमल लगा हो, बाकी स्वर शुद्ध हो, वह राग आसावरी थाट से निकला माना जाएगा। अगला थाट है तोड़ी। तोड़ी थाट के स्वर हैं रे ग ध कोमल, म तीव्र, बाकी स्वर शुद्ध। जिस राग में रे ग ध कोमल हो, म तीव्र हो, वह राग तोड़ी थाट से निकला माना जाएगा। अगला थाट है थाट पूर्वी। रे ध कोमल, म तीव्र, बाकी स्वर शुद्ध। जिस राग में रे ध कोमल हो और तीव्र मा का प्रयोग किया गया हो, गानी शुद्ध हो, वह राग थाट पूर्वी से निकला माना जाएगा। अगला थाट है थाट मारवा। मारवा थाट में रे कोमल, मा तीव्र, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। ऐसे राग जिनमें रे कोमल, मा तीव्र हो, बाकी स्वर शुद्ध हो, वह राग थाट मारवा से निकला माना जाएगा। आपने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी मेल आईडी दी हुई है, आप उसमें कर सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
मैं हूं मयंक शुक्ला और आप देख रहे हैं स्वर ज्ञान गंगा। स्वर ज्ञान गंगा।